अन्ना क्या क्या खड़ा हो, कौन बोला? लाइट बंद कीजिए तो थोड़ा सा, लाइट बंद कीजिए ना, एक बार लाइट बंद देख करके जाइए ना, तो फिर हमको कार्रवाई करना पड़ेगा। मीडिया के लोग तो हर एक जगह जाते हैं, वो तो नारद मुनि हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और मंत्री इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं। आपको बता दें, लगातार वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं भी सुनते हैं। आपको बता दें, विश्व गेंडा दिवस के अवसर पर वो छात्रों को संबोधित कर रहे थे, छात्रों के बीच में गए थे, उनसे सवाल जवाब किया है। आपको बता दें, उनका साफ तौर पर कहने का मतलब है, उन्होंने कहा है, छात्रों को घुमा दीजिए नहीं तो आपके खिलाफ कार्यवाही होगी। जी हाँ, कॉलेज प्रशासन के खिलाफ बोले हैं कि आपके खिलाफ कार्यवाही होगी, आप छात्रों को घुमा दीजिए। बहुत कुछ कहते हैं तेज प्रताप यादव, छात्रों के बीच सवाल जवाब कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप सुने। संरक्षित रखना है जीवों को, किस तरीके से संरक्षित रखना है, इस फील्ड में हम लोग पूरे तरीके से काम कर रहे हैं। आप चले जाइए, राजगीर चले जाइए, आप वाल्मीकि नगर चले जाइए, हम तो लगातार जब भी कार्यक्रम होता है तो हम बताते हैं। स्पेशली संजीव जी को भी और आपकी जो पूरी टीम है इंडियन ऑयल की, आपसे कोई चार्ज हम लोग नहीं लेंगे। आप लोग जाइए राजगीर, नेचर सफारी, ये सब घूमिए। अन्ना क्या क्या खड़ा हो, कौन बोला? लाइट बंद कीजिए तो थोड़ा सा, लाइट बंद कीजिए ना, एक बार लाइट बंद ना कर दीजिए। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो तुम? इसी 29 को फ्लैग मार्च कराएंगे। अच्छा, पिछले बार भी हम तुमको बोले थे ले जाने के लिए, ये लोग नहीं लगे गए हैं सर? 29 को फ्लैग मार्च क्या करेंगे? तो ले करके जाइए ना, तो फिर हमको कार्रवाई करना पड़ेगा। 29 नहीं, कार्रवाई हम कर देंगे। ले करके जाइए, सारे लोग को घुमाइए और वहाँ के नेचर के बारे में दिखाइए लोगों को, हम तो यही कहते हैं। मुख्यमंत्री जी, ए सुनो, तुम लोग जा करके घूमो, आना तो मेरा मोबाइल नंबर ले लेना, उस पर कंप्लेन कर देना हम लोग। नहीं लेके जाएंगे तो इनके ऊपर कार्रवाई कर देंगे, ठीक है? मीडिया के लोग तो हर एक जगह जाते हैं, वो तो नारद मुनि हैं। मीडिया के लोग जो है बहुत बढ़िया, हम दर्जा दिए हैं, ठीक है? रहा, किस वाटर पार्क में गई हो? जू में? तो वाटर पार्क कहाँ पे? ये जो गार्डन है, ये जल उद्यान की बात कर रहे हो? जल उद्यान का बात कर रही हो? अच्छा, वो अच्छा, यहाँ जल उद्यान के बारे में, उसको हम लोग नए तरीके से डेवलप कर रहे हैं अभी, पूरे नए सिरे से बनेगा। वो नए सिरे से बनेगा। और रहा बात है, उसमें पानी गंदा है तो उसको निकलवा दीजिए, पानी को नया भरवा दीजिए। अरे ये तो ठीक है, और भी चीज बताओगे क्या क्या होना चाहिए? और कोई बच्चे लोग इधर स्कूल के जो बच्चे हैं? बताइए बताइए, एक दो लोग खड़े होके बताइए, एक दो बच्चे बताएं। आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, इधर से बताइए आप कोई। हाँ, ट्रेन चालू हो जाएगा, ट्रेन चालू होगा। पहले ट्रेन चलता था, लेकिन हम लोग उसको नए तरीके से अभी ट्रेन को अभी चालू किया जाएगा ना। रेलवे वाले से बात हुई? हाँ, रेलवे से बात हुआ है, वो ट्रेन को चालू किया जाएगा। और भी कुछ सुझाव हो तो सत्यजीत जी हैं यहाँ जू के डायरेक्टर, आप इनको अपना सुझाव दे सकते हैं। फीडबैक फॉर्म जो है उसको फिलअप कीजिए और उसको दीजिए, आप जो भी सुझाव है। तो हम लोग समय समय पे कार्यक्रम कराते रहेंगे और इस पे अभियान हम लोग हर एक जगह उसको फैलाने का काम करेंगे। जैसे आपके ऊपर तो कार्रवाई हम नहीं करेंगे, जब ही लेके चले जाएंगे तो जिस दिन लेके जाएंगे, जो फ्लैग ऑफ होगा, इन बच्चों के साथ हम भी चल चलेंगे। हम जाएंगे तो जो ज्यादा सेफ, क्या आप लोग सेफ रहेंगे ना जब हम जाएंगे तो? हाँ, सेफ दे रहेंगे, हम लोग भी इंजॉय करेंगे, ये लोग इंजॉय, जिप लाइन पर भी हम लोग सब चढ़ेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। एडवेंचर स्पोर्ट्स भी है वहाँ पे, एडवेंचर स्पोर्ट्स।
दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर पांचवी तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर आठवीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर दसवीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।